9 जुलाई को हमें नागिन 6 का लास्ट एपिसोड देखने को मिला, लेकिन नागिन सीजन 6 के अंत से ही शुरू होने वाली है नागिन 7 की कहानी। नागिन 6 के लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिली नागिन 7 की मेन लीड नागिन की पहली झलक। पहली झलक में ही हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया नागिन 7 की मेन लीड। इस बार की नागिन होने वाली है प्रथा प्रार्थना से भी शक्तिशाली नागिन। वो होने वाली है सिर्फ नागिन जो नागिन 7 में हमें मेन लीड के तौर पर देखने को मिलेगी। वो हमें एक ब्राउन कलर की कॉस्ट्यूम में नजर आ रही है जो काफी ज्यादा बहुत सुंदर लग रही है। वो है नागिनों की नागिन दिव्य दृष्टि दिव्य शक्तिशाली सिर्फ नागिन। तो नागिन सीजन 7 की जो नागिन है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है, क्योंकि उसके पास जो नागमणि होने वाली है वो प्रथा प्रार्थना और प्रगति के तीन मणियों से बनी हुई दिव्य मणि को धारण करने वाली है। नागिन 7 ऑफिशियली कॉन्फर्म बाय मेकर्स, इवन लोगो ऑफ नागिन 7 वाज शोन इन ग्रैंड फिनाले ऑफ नागिन 6। नागिन ऑफ नागिन 7 विल हैव ब्राउन कलर कॉस्ट्यूम, सी विल हैव द पावर ऑफ प्रथा प्रगति प्रार्थना एज दे मेड अ सर्फ नागमणि After combining their respective one, and Nagin 7 Nagin will be Sif Nagin, who will be stronger than Sis Nagin. तो Sis Nagin से भी शक्तिशाली होने वाली है Sif Nagin. तो कौन होने वाली है एक बिल्कुल नई Nagin? वो हमें Nagin 7 में देखने को मिलेगा जो next year ही आने वाला है, यानी 2024 में हमें Nagin 7 television के पर्दे पर देखने को मिलेगा। तो आप कितना ज़्यादा excited है फिर से आपके favorite Nagin को देखने के लिए? तो आपको क्या लगता है इस बार हमें कौन नजर आ सकती है नागिन के रोल में? प्रियंका सहर चौधरी, सुम्बुल तौकीर खान, शिवांगी जोशी, रूबीना दिले, क्रिस्टल डिसूजा, कौन हो सकती है नागिन सीजन 7 की मेन नागिन? आप कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा आप किसको नागिन के तौर पर देखना चाहते हैं। क्या देखा आपने नागिन 6 का ग्रैंड फिनाले? आपको कैसा लगा आप वो भी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।